जिस तरीके से दो समूह में तनाव बना, ना सिर्फ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन बहुत पीड़ादायक भी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर इस तरह का घटना कोई इतिहास नहीं रहा है। मैं ऐसे समय में सभी प्रदेशवासियों से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि सभी प्रदेशवासी आपसी भाईचारे को, आपस में अमन चैन शांति सद्भाव को कायम रखें, आपसी भाईचारे को बनाने में सब आगे आए। ऐसी अपील प्रत्येक प्रदेशवासी से, साथ में सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सतर्कता दिखाते हुए जहाँ भी बलों, पुलिस प्रशासन और बल को तैनात करने की आवश्यकता हो वहाँ पे तैनात किए जाएं और सतर्कता दिखाए सरकार। कहीं ना कहीं सतर्कता कल भी दिखाई जाती और पुलिस प्रशासन की तैनाती होती तो ये घटना टल सकती थी, ऐसा दिखाई देता है। मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, सरकार भी इसमें अपूर्ण सतर्कता दिखाते हुए इसको, शांति को बहाली के लिए, इस घटना को आगे और कोई नुकसान ना हो उसके लिए सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाए। इसमें गृह मंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी की स्टेटमेंट आई है कि ये अचानक नहीं हुआ है और ऐसा दिखाई देता है कि अचानक नहीं हुआ, इसकी कोई पीछे प्लानिंग थी। तो मैं गृह मंत्री जी से कहना, हरियाणा सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा था तो आपकी विजिलेंस और आपकी सीआईडी, वो महकमे या तो मुख्यमंत्री जी के पास है या आपके पास है, ये लोग क्या कर रहे थे, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। अगर ये अचानक नहीं हुआ तो इसकी, ये प्रशासन को सतर्कता दिखाते हुए पुलिस की तैनाती करके घटना को होने से अवॉइड कराना चाहिए था, वो जिम्मेदारी भी सरकार की है। बहरहाल आज सरकार कम से कम उन पर अब सतर्कता दिखाते हुए शांति बहाली के लिए जहां पुलिस बल को नियुक्त करने की आवश्यकता हो वहां की जाए। और एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों से पुनः अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि सब प्रदेशवासी भी आपसी भाईचारा, शांति, अमन और सद्भाव बनाने के लिए सभी प्रदेशवासी अपना योगदान।